हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, yeah।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभायनसुते प्रणमामि हरे प्रिय बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदिदेवी सत्यवतै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील महावीर महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। सबको ट्रांसलेशन कर रहा है, तुम कर रहे हो? हरे कृष्ण हरि बोल। राशव प्रिया इधर है कि नहीं? कहाँ है राशव प्रिया? हाँ बाहर। बाहर क्या कर रहे हैं? रोटी बना रही हैं जी। रोटी बना रही हैं। रोटी बना रही हैं। राशव प्रिया है इधर? क्या रोटी बना रही हो? चपाती चपाती बना रही हैं। बन गया कि नहीं? और बना रही हो? बन गया ना। ठीक बैठ जा, कथा सुन। हाँ आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। श्री राशव प्रिया ने आज अपना घर में वहीं बैठ जा। राशव प्रिया अपना घर में सारे भक्त लोगों को घर में बुलाए। आज घर में हरि कथा हुई, भी घर में हरि कीर्तन हरि कथा है, ये घर में हरि कीर्तन हरि कथा हुई। इसलिए बड़े भाग्य से घर में भक्त लोग आते हैं और घर में भगवत कीर्तन और भगवत कथा होती है, बड़े भाग्य से। इसलिए शास्त्र में एक पुराण में एक श्लोक बताया, गंगा पापम शशि तापम दन्य कल्पतरु हरि तथा पाप तथा पुण्यम हरेत सत समागम। इसमें बताए साधु संघ की क्या महिमा है। कहते गंगा पापम, कहते गंगा क्या धारण करती है, कहते गंगा पाप को हरण करती है। गंगा बोले शशि, शशि मतलब चंद्रमा, कहते वो क्या हरण करती है, बोले तापम। जैसे दिन में सूर्य का गर्मी से हम एकदम परेशानी हो जाते हैं, लेकिन रात हो चंद्रमा उदय हो, चंद्रमा से
एक तरह का अमृत निकलती है, हैं? को तो अमृत क्या करती है, जैसे रात को सो जाओ सबर देखना एकदम शरीर में फिर ताकत आ जाती है। बोले कहाँ से आती है, बोले ये शशि से हैं, ये चंद्रमा से। बोले दन्न कल्प हरुधरे, बोले स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, कहते वो क्या हरण करता है, कहते हमारे दुख को ये हरण कर लेता है, हैं? लेकिन कहते जो साधु संग है ये क्या हरण करता है, बोले साधु संग ये तीन चीज को ये साधु संग हरण करता है, बोले पापम है तापम तथा दुखम हरेत सत समागम। कहते गंगा में स्नान करने पर केवल थोड़ी सी पाप ही दूर होगा और कुछ नहीं, फिर घर में आकर के फिर दो बार फिर वही पाप करना शुरू करते हैं, हाँ? केवल ऊपर का थोड़ी सी केवल पाप ही हरण करता है, लेकिन साधु संग वो क्या हरण करता है, कहते ये पाप तो हरण करता ही है लेकिन हमारे हृदय में है जो कलुषित है, जो जन्म जन्मांतर से हम भगवान को भूल करके ये संसार चक्र में जो हम भटक रहे हैं, कहते ये साधु संग से ये अंतर हृदय को भी परिवर्तन कर देता है। हमारे भारत में बहुत लोग गंगा में नहाते हैं, बहुत लोग कहता अगर गंगा में नहाने पर अगर पवित्र होते तो भैया गंगा में तो मछली रहता है, सबसे पवित्र तो वही हो जाता, कछुआ रहता है, सबसे पवित्र तो मछुआ कछुआ और हैं, कहते मछली पवित्र हो जाते हैं। और बंगाल में आप गए ना नवद्वीप में, रोज गंगा में लोग नहाते हैं लेकिन मछली खाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन इनके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है, गंगा में नहाते नहाते। हाँ कहते हैं साधु संघर्ष जितने महिमा है और किसी चीज में इतने महिमा नहीं, लेकिन आप लोग हलान में रहते हुए भी होली लैंड में रह रहे हो, देखो हलान में रहते हुए भी देखो गला में कंठी पहने हो, तिलक लगाए हो, घर में गिरिराज जी है राष्ट्रप्रिया को, घर में तो कितने सुंदर ठाकुर जी ने श्रृंगार की, गिरिराज गोवर्धन को घर में रखी, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्तों का जो घर है ना ये सब मेरे भक्तों का घर गोलोक वृंदावन है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जय दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय, जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो भक्त लोग आए, घर में भजन हो भक्ति हो, कहते वो घर घर नहीं, कहते ये गृह ते गोलोक भाय, वो गृह गोलोक वृंदावन ही गृह है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने गोलोक वृंदावन से राधा रानी की निकुंज मंदिर को गोलोक वृंदावन से मैंने यहाँ प्रकट कर दिया, इसलिए मेरे जितने गृहस्थ भक्तों का घर नहीं, कहती है गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन। इसलिए बोले गंगा पापम, गंगा पाप हरण करती है लेकिन साधु संग क्या हरण करती है, कहते पाप तो हरण कर ही लेती है, हाँ? इसलिए भागवत में बताया सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां पर भगवत कथा भगवत कीर्तन, बोले एक तीर्थ नहीं, सुतो गोस्वामी एक बहुत बड़ी बात करते हैं, सुतो गोस्वामी कहते अगर करोड़ रुपया भी खर्च करोड़ यूरो अगर खर्च कर लो ना, पृथ्वी में इतने सारे तीर्थ है नहाने, आप स्नान नहीं कर सकते हो, इतने तीर्थ है ये पृथ्वी में, लेकिन श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं भले भैया ऐसे कौन सा उपाय है जो हम एक साथ में सारे तीर्थ में नहाना हो जाए, एक साथ में ऐसे कोई उपाय है, बोले एक उपाय है भगवत कथा रूपी गंगा में अगर कोई स्नान कर ले, बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर विद्यमान है, जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां पर भगवान की कथा हो रही है। हाँ देखो एक समय जैसे यहाँ हरि कथा हो रही ना, जैसे हाँ एक समय कहीं पर ऐसे हरि कथा हो रही थी, कोई एक भावुक संत बैठ कर कथा सुन रहे थे, वो थोड़ा ज्यादा भावुक थे, अभी कथा सुनते 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 उसमें इतने डूब गए, उसमें इतने डूब गए, पूरा ही डूब ही गए। जब कथा विश्राम हो गया सबके सब तो चले गए वहां से, लेकिन वो साधु वहीं पर बैठ करके एकदम
भाव में बैठे थे। जब थोड़ी देर बाद में उनके आंख खुली, उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। एक काला घोड़ा कहीं से दौड़ दौड़ कर आया और आकर के जहां ये कीर्तन और कथा हो रही थी वहीं पर वो लौट बोट खाने लग गया, लौट बोट खाने लग गया। खाते खाते वो घोड़ा जो काला था ना, वो देखते देखते धीरे 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 एकदम सोना बन गया। वो साधु समझ गए ये घोड़ा कोई साधारण नहीं है, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले महात्मा जी आप कौन हो? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। कौन है? कौन है हो? प्रयाग गए हो? कौन कौन प्रयाग गए हो? हाथ उठाओ तो कौन कौन प्रयाग गए? गए ना एक बाबा गए, और कौन गए प्रयाग में? अभी बताओ कौन जाना चाहते हो बताओ, मतलब अगर हाथ भी नहीं उठा रहे हो, गए तो है ही नहीं और जाना भी नहीं चाह रहे हो। हाँ देखो देखो इधर सुनो ध्यान देकर के, भक्ति ऐसे की चीज है, भक्ति ऐसे की चीज है, अगर आपकी मन में इच्छा हो गई ना हम प्रयाग जाएंगे, नहीं तो वृंदावन में जाएंगे। इच्छा मात्र से ही वृंदावन जाने का फल मिल जाती है। ये भक्ति में ही ऐसे एक चीज है, हैं? और हर चीज में कुछ करो फिर मिलेगा, लेकिन भक्ति ऐसे की चीज है। इसलिए भागवत में बताया श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्य अपनाति सद्धर्मम जानती विश्व द्रोही। कहते वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, इसने विश्व द्रोह देव द्रोह क्यों नहीं किया हो। ये भक्ति ऐसे की चीज है, अगर कहीं कथा हो रही है अगर बोल दे बहुत अच्छी बात, भागवत कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, प्रभु की भक्ति हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना कोई बोल दिया ना, बोले सद्य पुनाति सद्धर्मम, इतना बोलने का साथ साथ वो व्यक्ति सारे पाप से मुक्त होकर के, अगर कभी देवताओं को द्रोह किया हुआ, कभी विश्व को द्रोह क्यों नहीं किया हो, द्रोह समझ रहे हो हैं? उसको हिंसा क्यों नहीं किया हो, कहते वो उसी समय में ही सारे पाप से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को प्राप्त करता है। ये भक्ति, इसलिए भागवत ने बताया सद्य हृदय अवरुद्ध ते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। अगर किसकी मन में केवल इच्छा हो गई मैं भागवत कथा सुनूंगा नहीं तो सुनूंगी, नहीं तो भक्ति करूंगा नहीं तो भक्ति करूंगी, केवल इच्छा मात्र से ही, बोले सद्य पुनात सद्धर्मम, कि तो उसी समय में ही उसकी हृदय में भगवान आकर के ऐसे बंध जाते हैं, उसको दिल में भगवान ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति एक रूम के अंदर में जाए और अंदर से अपनी आप को कुंडी लगा दे, अपनी आप से बंद कर दे, हैं? कहते उसी तरह भक्ति की इच्छा मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते, अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रभु को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। केवल ये भक्ति ही ऐसे की चीज है। अगर आपके मन में इच्छा हो गई ना, क्या इच्छा हो गई, हम वृंदावन जाएंगे, बस जाने का करके फल मिल गया। केवल अब वृंदावन जाने का तुम्हारी मन में इच्छा हो गई है, भजन करूंगी नहीं तो वृंदावन जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, समझो जाने का करके फल मिल गया बस, और वहां चले जाओ बस, और भी डबल फल मिल जाएंगे। ये भक्ति ही ऐसे की चीज है। इसलिए वो कह रहा है मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, है प्रयाग तीर्थराज मतलब भारत में सबसे बड़ा तीर्थ कहते हैं जहां पर प्रयाग, बोले क्यों? जहां पर गंगा जमुना और सरस्वती वो तीनों नदी एक जगह पर मिलन हुई है, इसलिए उसको तीर्थराज बताया। इसलिए वो कहता है मैं तीर्थराज हूँ। बोले हमने देखा आप पहले आपका शरीर काला पड़े हुए थे, फिर यहाँ पर लोट पोट उखाए, फिर सोने हो गए, इसका मतलब क्या है? बोले जितने पापी आते हैं प्रयाग में स्नान करते हैं, हैं? जितने पापी आकर के स्नान करते हैं, स्नान करने पर उसका सारे पाप इसमें छोड़ करके चले जाते हैं और पाप की बोझ से मेरा शरीर एकदम काला बन जाता है। बोले यहाँ पर लोट बोट क्यों खा रहे थे? बोले यहाँ पर थोड़ी देर पहले हरी कथा हो रही थी ना, हरी कीर्तन हो रही थी। बोले हाँ। बोले जहाँ पर प्रभु की कीर्तन हो, जहाँ पर भगवान की कथा हो,
कहते सबसे पवित्र वही स्थान है, वही स्थान सबसे पवित्र है, क्योंकि जहां पर प्रभु की कथा प्रभु की कीर्तन हो रही है। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं यदि न गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई, वो घर नहीं जिस घर में कीर्तन हरि कथा हो वो साक्षात गोलोक वृंदावन बन जाता है। सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर निवास करते हैं। इसलिए हम बैठ बैठ करके समझो जो संत समागम हरि कथा, जो भक्तों का संग और जो हरि कथा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे आप लोग घर से आते हो, घर से आए कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर दूर से घर आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब घर से आप निकले, आप घर से निकले एक स्टेप आप आगे चलते हो, तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक स्टेप केवल जब आप आते हो एक स्टेप में आप करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जहां एक पग पड़े वो कह रहे जहां पर केवल एक एक स्टेप तुम पड़ रहे हो अश्वमेध, अश्वमेध अगर 100 अश्वमेध को यज्ञ कर दिया ना स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाता है, 100 अश्वमेध यज्ञ की स्वर्ग का इंद्र बन जाते हैं। इसलिए जो केवल घर से सत्संग की उद्देश्य से जब एक स्टेप आते हो उसकी इतने महिमा ये साधु संग और हरि कथा में आने के लिए। इसलिए बोले गंगा पापम है, लेकिन हरि कथा क्या करती है ऊपर और भीतर दोनों को पाप को ही धुला देती है। केवल गंगा क्या करती ऊपर का पाप को धोती है लेकिन अंदर का पाप नहीं। लेकिन साधु संग देखो आप लोग हालांड में रहते हुए भी, आप लोग हालांड में रहते हुए भी आपका सब हृदय सारे सारे खत्म हो गया, सारे पाप खत्म हो गया, सारी गंदी चीज को छोड़ दी है, तिलक लगाए गले में कंठी माला तिलक भजन कर रहे, मतलब क्या है आप जीवंत मंदिर है, है? आप लोग साक्षात जीवंत मंदिर ही स्वरूप आप लोग हो है। इसलिए कहते इसका फल क्या है बोले केवल सत्संग से ही साधु संग से ही इसकी इतने महिमा, केवल साधु संग से है। बोले गंगा पापम, बोले शशि, बोले शशि मतलब होता है चंद्रमा, बोले चंद्रमा क्या करती है बोले तापम, वो क्या करती है वो ताप को दूर कर देता है, है? सारे ताप को दूर कर देता है, है? लेकिन हरि कथा इसलिए ब्रज गोपियां कहती हैं अगर भगवान की कथा सुनोगे तो कितना लाभ है। राधा रानी गोपी कहती हैं बोले तुमको 8 लाभ मिलेगी, कितना लाभ मिलेगी 8 लाभ मिलेगी। इसलिए राधा रानी कहती हैं बोले तब कथा मृतम ताप्त जी बनाम कभी भी रीतम काल मसापह। बोलो तब कथा मृतम ताप्त जी कष्ट है हृदय में जितने ताप है इस ताप को कौन दूर करता है कहते हरेत सत समागम, कहते हरि कथा दूर करती है। जैसे
यहाँ पर बैठे हो, उसी दिन बता रहे थे ना, यहाँ पर बैठे हो, हम सबके सब संसार में दुखी है। बताओ कौन दुखी नहीं, सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बीवी से, कोई बॉयफ्रेंड से, कोई गर्लफ्रेंड से, कोई परिवार से, कोई पड़ोसी से, कोई हीरो से है, कोई मन से, कोई तन से है, ये सबके सब दुखी है संसार में, संसार में सबके सब दुखी है। लेकिन जैसे यहाँ पर बैठे हो, हमें कोई दुख कोई याद है अभी, तुम्हें कोई दुख अभी कोई याद है तुम्हें? अभी कोई दुख याद नहीं। बोले क्यों? बोले हरित सत समागम कारण है, अब हरि कथा में बैठे हो, भगवान की कथा में बैठे हो। जब तक कथा में बैठोगे ना, तब तक संसार का कोई दुख कष्ट तुम्हें सता नहीं सकती है। लेकिन केवल कथा से निकलो तो सारे दुख पहाड़ जैसे हैं, सारे दुख पहाड़ जैसे आकर के सर के ऊपर में बैठ जाएगा। इसलिए बोले गंगा पापम शशि तापम दन्य कल्प हरुतरे, दन्य मतलब होता है दुख है, कहते दुख कौन दूर करता है? बोले ये कल्प वृक्ष, स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष जीवन का सारे दुख को दूर कर देता है कल्प वृक्ष। लेकिन साधु संग ये क्या करता है? साधु संग क्या करता है? कहते जो कल्प वृक्ष है ना स्वर्ग का, वो थोड़ी समय के लिए तुम्हारी दूर करता है, तब भी वहां पर सही दूर नहीं, नहीं तो इंद्र को इतना क्यों दुख होता? कभी इंद्र को शुकर बनना भी पड़ा, कभी कोई कभी स्वर्ग छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। दैत्य लोग कभी जब ताकत आता है ना, सबसे पहले ये देवताओं के ऊपर में आक्रमण करते हैं, हैं सबसे पहले। लेकिन कहते जो हरि कथा, ये हरि कथा क्या है? हरि कथा वास्तव रूप में अगर कहीं दुख को कोई हरण करने वाले केवल भगवत कथा है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति। सही जो शांति सुख है भगवत कथा में है, जब कोई भगवत भक्ति भजन करेगा क्या होगा? सीधा भगवान को पास में जाएगा, जहां जाने पर दो बार जीव कभी संसार में आता ही नहीं। परम शांति, परम सुख, चिरकाल के लिए वास्तव शांति सुख मिलेगा कहां? बोले भगवत चरण में। वो कौन प्रदान करता है? केवल ये हरित सत समागम, केवल साधु संग ही। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र का ए लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। जीवन वगैरह के लव अगर साधु संग हो जाए, जीवन का सर्व सिद्धि साधु संग से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, राष्ट्रप्रिया दीदी ने अपना घर में सब भक्त लोगों को बुलाया और ये तीन दिन से ना रोसी बना रही है, आपको पता नहीं मेरे को पता है, ये तीन दिन से, हाँ ये तीन दिन से, सही ना मैं झूठ बोल रहा ना? सही बोल रहा हूँ, हाँ ये सारे सामान को तीन दिन ना सात दिन से होगा, सात क्योंकि खुश होकर के वैष्णव लोग घर में आएंगे, घर में हरि कथा होगी, हरि कीर्तन होगा। हाँ देखो अगर हम लोग अगर साधु संग में नहीं आते ना क्या करते बताओ? पार्टी में जाते है ना, पार्टी में जाते, बोले क्या करते बताओ? पार्टी में शराब पीते है? और मांस मछली, अगर आप साधु संग में नहीं आते फिर क्या करते बताओ? साधु संग में नहीं आते तो शनिवार को कहीं पार्टी में जाते, जाकर के बस बोतल चढ़ाते और मांस उल्टा पुल्टा सिगरेट यही तो करते हैं ना, वो क्या करते हैं यहाँ पर? और क्या होता है? यही होता है और उससे कुछ नहीं होता है, केवल यही होता है पार्टी में और कुछ नहीं, यही चीज होता है। लेकिन आप लोग साधु संग में जुड़े हो, हमारे श्री विजय प्रभु जी, हाँ विजय प्रभु जी समझो आप लोग का जीवन कल्याण में कर, हाँ इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो आप लोग कितना समझता हूँ नहीं, लेकिन ये चीज मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीज को मैं समझता हूँ, क्योंकि सारा दुनिया में मैं जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, भजन में लगाना इतना आसानी बात नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति को, केवल एक व्यक्ति को भजन में लगाना प्रभुपाद कहते हैं
सौ ग्याले में खून खर्चा करना पड़ता है तभी एक व्यक्ति को आप प्रभु की भजन में लगा सकते हो। भजन में लगाना इतना आसानी बात नहीं, प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं। और प्रभुपाद ये 100 गैलन मतलब क्या है, 1 गैलन को कहते हैं 1 गैलन होता है 400 किलो, और 100 गैलन का हिसाब लगाओ कितना खून है। मतलब एक व्यक्ति को सही सही रास्ता में लाना ये आसानी बात नहीं है, वो बहुत कठिन है। उसको दिमाग में समझाना बैठाना है और उनको भगवत भक्ति रास्ता में ले आना किसी तरह से, वो आसानी बात नहीं है। प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं माया में फंसे हुए किसी जीव को अगर एक व्यक्ति को आप समझा बुझा करके, केवल एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में अपने लगा दिया, प्रभुपाद बहुत बड़ी बात कहते हैं। कहते एक व्यक्ति अगर करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे, करोड़ों करोड़ों स्कूल और कॉलेज को खोल दे, उसमें जो पुण्य की प्राप्ति होगी, कहते केवल एक व्यक्ति को अगर आपने भगवत भजन में लगा दिया उससे अनंत करोड़ों गुण में पुण्य ज्यादा मिलेगा। प्रभुपाद की बात कह रहे हैं, क्योंकि जिसको खाना खिला दो कपड़ा पहना दो, दो दिन बाद में फट जाएगा, भूख लगेगा। लेकिन भगवत भक्ति में अगर किसको ले आए, प्रभु का भजन में ले आए, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी भवबंधन नष्ट हो जाता है, प्रभु के पास में चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब तक किसी, हाँ इसलिए 6 तरह का अवतार है, उसमें 6 तरह का अवतार है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं किसी को भगवत भजन की कथा बोल करके उसको भजन में लगाना आसानी बात नहीं है। प्रभुपाद कह रहे आसानी बात नहीं है। आप देखना अपना बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बीबी तुम्हारी बात नहीं सुनती है। बीबी बात सुनती है किसकी बताओ, कोई बीबी किसकी बात सुनती है, पति किसका बात सुनता है, बेटा बात सुनता है, तुम्हारी बेटी बात सुनती है, नहीं सुनते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को तुमने भगवान की भजन में लगाना है वो इतने आसानी बात नहीं है। इसलिए बोलते कृष्ण शक्ति बिना नहे प्रकीर प्रचार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जब तक भगवान की किसी जीव के ऊपर में कृपा नहीं हो भगवत भक्ति प्रचार नहीं कर सकता है। कृष्ण शक्ति के बगैर प्रचार कर ही नहीं सकते कोई। इसलिए जिसको ऊपर में भगवान की कोई विशेष कृपा हो तभी जाकर के भगवत भक्ति को कोई प्रचार कर सकते है, आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग कुछ तो इसमें गुरुदेव का शिष्य लोग हैं और कुछ जो बाद में धीरे 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 सेमिनार में आप लोग आए हो, समझो ये विजय प्रभु की आप लोगों के ऊपर में विजय प्रभु की कृपा है। इन्होंने इतना परिश्रम करते हुए, हाँ इतने परिश्रम करते हुए अपना घर में सेमिनार को रखना ये आसानी बात नहीं। अपना घर में बाहर व्यक्ति घुसने दोगे, तुम घुसने दोगे बाहर, नहीं दोगे आप लोग है? लेकिन अपना घर में सेमिनार करके बुला करके और इनकी पूरा परिवार, हाँ जब हम आते हैं ना विजय प्रभु जी घर में, उनको जो माता जी कहाँ है बैठी हुई, ये समझो ये सवेरे ये 6-7 बजे किचन में घुसती हैं और रात को 10 बजे निकलती हैं। आप सोच नहीं सकते इतने परिश्रम करती हैं। सवेरे हम मना नहीं करने पर भी नाश्ता बनाएगी, अगर कोई उस समय कोई भक्त मिलने के लिए आ जाते हैं ना, जैसे कृष्ण कृपा प्रभु आते हैं कभी कभी, हमारे नवीन प्रभु जी आते हैं और कोई आ जाते हैं, सबको प्रसाद खिलाएगी, बना करके सबको ब्रेड बना करके सबको खिलाएगी, सबको प्रसाद खिलाएगी है। ऐसे कोई प्रचार नहीं कर रहे, ऐसे कोई भजन में ऐसे कोई नहीं लग रहा है, तो बहुत परिश्रम हम देखते हैं ना। और हम लोगों के लिए सवेरे नाश्ता बनाएगी, फिर उसको बाद में हम मना करने पर भी हम मना करते नहीं, कोई एक सब्जी बना दो, 8-10 तरह का सब्जी बना, 8-10 तरह का सब्जी बनाएगी। हाँ इसीलिए इनके जो परिवार है ना, मुझे लगता है इनके ऊपर में गुरु वैष्णव का कोई विशेष कृपा है, तभी इतने लोगों को तभी जुड़े हैं। ऐसे लोग नहीं जुड़ जाते हैं, मैं जो चीज देखता हूँ तभी इतने लोग जुड़े हैं सभी की, इनकी कण कण में गुरु वैष्णव सेवा की, इनकी कण कण में सेवा की जो भावना है ना, इनकी कण कण में बैठा हुआ है। और इनको अच्छी बहू भी मिली है, जानता हूँ बहू कौन मिली, हाँ इनकी जो बहू मिली सी क्या प्रेमानंदी, इनकी अच्छी भगवान ने अच्छी एक बहू मिला दी ठाकुर जी की इच्छा से। मुझे लगता है भगवान को बहुत ढूंढना पड़ा है इनकी बहू के लिए, भगवान को बहुत ढूंढना पड़ा है। हाँ ऐसे उसने बहू भी मिली जब हम पहले आए, ये बोल रहे इनका भावना को देखकर मेरे को बड़ा अच्छी लगी,
कि कोई अच्छी नौकरी करने के लिए चाह रही थी, कोई एग्जाम दे करके। मैंने कहा क्यों एग्जाम दे कर अच्छी नौकरी करना चाहते हो? बोले पैसा मिलेगा तो साधु संत की सेवा करेंगे। देखो इनकी भावना है, ज्यादा पैसा मिलेगा ज्यादा साधु संत की हम सेवा करेंगे, हैं गुरु वैष्णव। इसको चीज को सुन करके तो मुझे बड़ा खुश हुआ। साधारण व्यक्ति पैसा क्यों कमाते? खुद खाने के लिए, खुद एंजॉय करने के लिए। लेकिन इनकी भावना क्या है? नहीं, पैसा मिलेगा तो हम गुरु वैष्णव की हम सेवा करेंगे, साधु संत की हम सेवा करेंगे। इतनी अच्छी भावना इनके अंदर में, इतनी अच्छी भावना। दिन भर काम करके पैसा कमा करके पैसा को फिर गुरु वैष्णव की सेवा में लगाना है, फिर भक्तों की सेवा में लगाना, ये कोई साधारण बात नहीं। तभी हम लोग इतने लोगों को उन्होंने जोड़ पाए। इसलिए अब लोग इनको पास में ऋणी है, है? ये ऋणी, ये एक तरह के आप लोगों के शिक्षा गुरुदेव है, हैं? कहते शिक्षा गुरुदेव है, क्योंकि अगर ये नहीं आपको इतने कथा सुनाते आप भक्ति में आते। अगर आपको कोई एक हीरो जिंदगी में देगा ना, उसके लिए जिंदगी भर याद करोगे। लेकिन उन्होंने जो संपूर्ण एनर्जी दे करके हरी कथा सुना करके, हाँ, पूरा जीवन को दे करके पैसा कमा करके पैसा को उसमें लगाते हुए जो किया, कोई साधारण बात नहीं। इसलिए हम लोग सबके सब है, हम भी ऋणी है इनको पास में, क्योंकि देखो कारण है। अगर ये देखो अगर इतने लोग नहीं होते ना, हम कथा कहाँ से सुनाते? प्रभु की बात को प्रभुपाद कहते थे। देखो ये प्रभुपाद का वाणी है। प्रभुपाद कहते है, कहते जितने तुम लोग है ना, एक समय प्रभुपाद जितने तुम लोग हो, तुम लोग मेरे को भजन में मदद कर रहे। प्रभुपाद कहते, बोले क्यों? बोले अगर तुम लोग नहीं होते हम कथा किसको सुनाते? ये प्रभुपाद का वाणी। अगर परीक्षित नहीं होते सुखदेव गोस्वामी, कथा किसको सुनाते? किसको कथा सुना सकते थे? सुना नहीं क्या? दीवालों को कथा सुनाएंगे? इसलिए दीवालों को कथा सुनाएंगे, इसलिए ऋणी है। इसलिए प्रभुपाद का वाणी है। प्रभुपाद कहते तुम लोग मेरे को उधार करने के लिए, अपना शिष्य को कह रहे, बोले तुम लोग मेरे को उधार करने के लिए आए। बोले क्यों? अगर तुम लोग नहीं आते तो हम कथा किसको सुनाते? दीवालों को तो कथा नहीं सुनाते। इसलिए प्रभुपाद का ही वाणी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे तुम लोगों को महाप्रभु ने मेरे कल्याण के लिए भेजा है यहाँ पर। इन लोगों को कथा सुनाओ, भगवान की नाम सुनाओ, भगवान की महिमा सुनाओ। इसलिए बोलते गंगा पापम कहते दन्य कल्प हरुतरे है, कहते जो दुख है उसको कौन हरण करता है? बोले कल्प वृक्ष। लेकिन वो कल्प वृक्ष भी सही सही दुख को हरण नहीं कर पाता है। असली दुख को कौन हरण करता है? हरेत सत समागम, ये साधु संग ही, ये साधु संग ही वास्तव रूप में जीव का दुख को ये साधु संग ही हरण करता है, और कोई नहीं हरण कर सकता है। इसलिए पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बताया, जिस श्लोक को हमारे गुरु जी भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, हम महाराज के साथ में बहुत सारी जगह पर गए हैं। जब गुरुदेव प्रचार में जाते थे अक्सर करके, अगर कहीं हरि कथा हो, गुरुदेव ये श्लोक को उच्चारण कर, दो तीन श्लोक उनकी विशेष फेवरेट था, उसमें ये एक श्लोक था जिसको हम तीन दिन से सुन रहे हैं। क्या श्लोक था? किसको याद है? बोलो जोर से, बोलो बोलो, किसको याद है? बोलो बोलो, प्राण बोलो। इसलिए उस श्लोक है, तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसना मनस निजज्ज तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिल ईत उपदेश सार। रूप गोस्वामी कहते हैं जितने उपदेश में है, जितने उपदेश में जो सबसे सार उपदेश किया, बोले ये श्लोक। गुरुदेव कहते थे एक श्लोक को केवल अपना जीवन में केवल एक श्लोक को उतार लो, इसमें ही जीव का कल्याण हो जाएगा। पहला क्या है? बोले तन नाम, पहला क्या है? भगवान की नाम। इसलिए इसी को अगर हम तीन दिन से सुन रहे हैं, क्यों? कलयुग में ये हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु लाए क्यों? क्या कारण है, हैं? इसलिए भागवत की एकादश स्कंध में नेमी नव जोगेंद्र संवाद में श्री नेमी महाराज जब श्री नव जोगेंद्र को प्रश्न करते हैं कलयुग में भगवान कौन है और उनको हम उपासना, हम किस रूप में उनकी उपासना करें, जब उन्होंने ये प्रश्न की, इसका उत्तर में उन्होंने तीन चार श्लोक विशेष करके बताए। हम कोशिश करेंगे एक श्लोक सुनने के लिए,
इसका जो पहला श्लोक है बोले कृष्णा वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस। मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे हैं, जो बुद्धिमान होंगे वो क्या करेंगे, भगवान कौन है कलयुग में, बोले कृष्ण वर्णम, बोले कृष्ण ये जो दो अक्षर है जिनकी जीवा में हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले कृष्ण वर्णम, ये कृष्ण जो दो अक्षर है जिनको जीवा में हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, हर समय महाप्रभु दोनों हाथ उठा करके कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजनंदन, कहां जाने पर वो कृष्ण हमें मिलेंगे, दिन रात कृष्ण कृष्ण बोल करके राधा जी की भाव से, हाँ दिन रात जो कृष्ण विरह में एकदम पागल थे, हैं कृष्ण विरह विदुरा राधा जी की भाव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, बोले कृष्ण वर्णा, बोले तिसांग मतलब जो शरीरता जो रंग है वो क्या होगा, बोले अकृष्ण, बोले कृष्ण नहीं वो काले हैं, काले नहीं कृष्ण नहीं क्या बनेंगे, गोरे गोरे बनेंगे, हाँ इसलिए यहाँ पर बोलते हैं जैसे ना अगर थोड़ी सी हम किसकी विभूत देख ले, थोड़ी सी ऐश्वर्य देख ले, थोड़ी सी चमत्कार देख ले ना, बोले भैया अमुक भगवान है, ये अमुक भगवान है, अमुक भगवान आ गए, अमुक भगवान आ गए, हैं कितने भगवान, जैसे खेती में बीज बोते हैं ना भगवान ऐसे निकलते, नहीं भगवान ऐसे नहीं आते हैं, ऐसे भगवान नहीं आते हैं, अगर आपको यहाँ प्राइम मिनिस्टर आएगा ना पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा, पेपर में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा, अमुक स्थान पर क्या होगा प्राइम मिनिस्टर इतना बजाएंगे, अरे साधारण प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना है, और गोलोक वृंदावन से जो भगवान आएंगे ऐसे आ जाएंगे, उसके लिए भी शास्त्र में प्रमाण रहता है, जैसे कल्कि अवतार होगा भागवत में है, कौन सा गांव में पिताजी का नाम क्या मैया का नाम क्या भागवत में लिखा हुआ है, अमुक स्थान पर कल्कि अवतार आएंगे सबको विनाश करेंगे हैं, उसी तरह गोलोक वृंदावन से जब कोई भगवत अवतार आते हैं ऐसे तैसे नहीं आ जाते, जब इच्छा नहीं, सब कुछ शास्त्र में उल्लेख रहता है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे कब, कलयुग में आएंगे, वो पहले से ही भागवत में लिख गया है, पहले से ही पद्म पुराण में हैं, पहले से ही बृहद नारदेव पुराण में, पहले से ही सारे पुराण में लिख गया है, कहां जन्म लेंगे, माँ का नाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा, करेंगे क्या दुनिया में, तो सब लिखा हुआ है शास्त्र में हैं, इसलिए जगन्नाथ पिताजी का नाम जगन्नाथ होगा, माता जी का नाम सची माता होगा, गंगा नदी तीर में जन्म ग्रहण करेंगे, सन्यासी दारू विग्रह जगन्नाथपुरी में सन्यासी ग्रहण करेंगे, लक्ष्मी प्रिया भविष्य लक्ष्मी प्रिया उनकी पत्नी के नाम होगी, ये सब लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये भागवत में यहाँ पर कह रहे हैं ये कब की कथा, ये सत्ययुग की कथा, लेकिन कलयुग में महाप्रभु करोड़ साल में आएंगे, पहले बोल दिए हैं, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, उसका अंग जो रंग होगा वो होगा गौरव वर्ण होगा, जितने भगवान के अवतार सब काले हैं, सब राम भी काले कृष्ण भी काले सब काले काले हैं, लेकिन केवल एक महाप्रभु हुए है वो गौरांग वर्ण, बोले क्यों, राधा जी की भाव हर अंग का ये दो चीज को राधा रानी से उधार लिया है, हैं इसलिए उनका नाम गौरव हरी, गौरव मतलब राधा रानी गौरी, हरी मतलब कृष्ण, ये दोनों एक साथ में मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे, इसलिए बोले अकृष्ण, बोले क्या अकेले आएंगे, बोले नहीं
भगवान अकेले नहीं आते, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कारी सपार सदसियो धाम सह अवतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवाए दान सिखाए शरण श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सम महाप्रभु कृपा करके अकेल नहीं धाम परिक्रम को लेकर आएगा अंग नित्यानंद अद्वैत बलदेव प्रभु सदासी सांग पांग अस्त्र बोले सत्य युग में भगवान राम त्रेता युग में धनुष लाए कृष्ण का चक्र है लेकिन कलि युग में उनका अस्त्र क्या बनेगा बोले एबे प्राणी नामारी वे अस्त्र नाथ हरी वे कलि युग में उन्हें अस्त्र धारण नहीं करेंगे महाप्रभु प्रतिज्ञा करके आए अस्त्र धारण नहीं करेंगे कलयुग में बोले क्यों बोले कारण है राधा रानी ये जो अवतार है ना ये अवतार जब विग्रह है ये प्रेमावतार महाप्रभु है ये प्रेमावतार और चूंकि राधा जी के भाव अंगता के लिए है ना राधा रानी बड़ी दयालु कृष्ण तो मारे राम वाले लेकिन सीता किसको मारी है राधा रानी किसको मारे है किसको नहीं मारे इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा जानते हो वृंदावन में किसका नाम लेते हैं जोर से बोलो राधे और जोर से राधे हाँ वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम को सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं वृंदावन में राधा रानी बड़ी दयालु राधा रानी बड़ी कृपालु श्री राधा रानी बोले श्री राधा रानी की हाँ देखो राधा रानी कितना कृपालु एक स्टोरी सुनो ध्यान देकर सुनो बोले एक समय वृंदावन में जो साधु है ना पहले पहले जो रहते थे वो माधुगिरी करके जीविका निर्वाह करते थे माधुगिरी जानते घर घर में जाकर के रोटी सब्जी ले आएंगे बोले रोसी फोसी बनाना इतना क्यों झामला में ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करो कीर्तन करो भजन करो है इसलिए घर घर में जाकर के रोटी सब्जी ला करके खा लेते हैं भजन करते हैं एक दिन ठीक दोपहर समय में संत लोग जाएंगे माधुगिरी के लिए लेकिन हठात आंधी तूफान बड़ी जोर से आंधी तूफान आकाश में मेघ गड़गड़ चढ़ एकदम बड़ी जोर से आवाज से मूसलाधार से बारिश हो गया अभी साधु लोग क्या करेंगे अभी घर में चुपचाप बैठे हुए और भजन कर रहे हैं हरि नाम कर रहे अभी लेकिन कृष्ण गीता में क्या बोले अनन्नश्चिन्तयन्त माम जे जनाः परिजुपासते कृष्ण गीता में बोले हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरी भजन करता है एकांत रूप में मेरे शरण लिए है उनके लिए मैं दो काम करता हूँ घर में जो चीज नहीं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ और जो चीज है एक दरवान बन करके उसको मैं रखवाली करता हूँ भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कृष्ण प्रतिज्ञा की अभी राधा रानी को तो चिंता में पड़ गई क्योंकि राधा रानी माँ है ना घर में खाना कौन बनाती है माँ बनाती है बच्चों को कौन खाना खिलाती है माँ खिलाती है इसलिए जगत का माँ कौन है राधा रानी है ये मूल माँ श्री राधा रानी अभी जब तक बच्चे को माँ खाना नहीं खिला देती है ना कभी माँ स्वयं खाना नहीं खाती है अगर बच्चा सोया हुआ खाना नहीं खाए है माँ को बोले तो खाना खा लो मैया खाना खाएगी बोले नहीं जब तक हम बच्चे को नहीं खिला देती हैं तब तक मैया खाना नहीं खाएगी अभी देखा बच्चे तो भजन कर रहे हैं बैठ कर हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं अभी राधा रानी को चिंता लग गई तो इतने में राधा रानी ने क्या की राधा कृष्ण दोनों को खबर दिया था बोले देखो आज इसी स्थान पर आज हम दोनों मिलेंगे हैं इसी स्थान पर मिलेंगे इतने में कृष्ण बोले हे राधे आज मैं अपने हाथों से तेरे लिए कुंज सजाऊंगा
हां तुम्हारे लिए आज मैं अपने हाथों से मैं आज कुंज सजाऊंगा कृष्ण। अभी कृष्ण पहले आई और राधा रानी के लिए सुंदर उन्होंने कुंज बनाई, सखियों को साथ में आकर के अभी कुंज में बैठे हुए उन्होंने समय दिया इसी समय पर मिलेंगे। लेकिन राधा रानी आई नहीं, राधा रानी आई नहीं। कृष्ण कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर में आते हैं, कभी राधा रानी की राह देख रहे हैं। अभी राधा रानी अभी तक नहीं आई। इतने में राधा रानी बहुत लेट में आई। जब लेट में आई इतने में तो कृष्ण मान करके बैठे गए, इधर मुंह मोड़ कर बैठ गए। जब मुंह मोड़ करके बैठ गए इतने में सखियां हैं, इतने में कृष्ण राधा रानी कह रही हैं सखियों से, बोले भैया ये महापुरुष आज इतना मान क्यों कर रहे हैं, ये महापुरुष जी आज इतने क्यों मान कर रहे हैं। सखियां बोली मान नहीं करेंगे, तूने बताया था ना कितने बजे आने के लिए बताया, बताओ अब घड़ी देखो कितना समय हो रहा है। कृष्ण कब से कुंज बना करके कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं, चटपटा रहे और तू तो मस्ती से तुम आ रहे हो हैं। इतने में राधा रानी कहती है देखो आज क्या हुआ जानते हो कृष्ण, बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारी जो भक्त है ना, तुम्हारी जो भक्त है भूखे में बैठे हुए थे, बारिश हुई कहीं माधुरी के लिए जा नहीं पाए, अभी भजन कर रहे, तुमने गीता में प्रतिज्ञा तुमने क्या ना मैंने की बता, गीता किसने बोला बताओ, किसने बोला, कृष्ण ने। गीता में तुमने प्रतिज्ञा की तेरा जो भजन करेगा उसका सब दायित्व मेरे हैं, हैं तुमने ये बताया कि नहीं, बोले हाँ, बोले बताओ वो भोजन कहाँ से करेगी, वो तो तेरी शरण लिए हुई, इसलिए मैं आज स्वयं अपना घर में रोटी बनाया, मैंने चावल बनाई सब्जी बनाई दाल बनाई और सब साधुओं को घर घर में गया है, जा करके सबको मैंने रोटी सब्जी दे करके अभी मैं वापस आ रही हूँ। बस इतना राधा रानी बोलते ही कृष्ण का जो हृदय ना एकदम पानी पानी हो गया है, कृष्ण का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया, कृष्ण का हृदय। इतने में कृष्ण राधा रानी के चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे तू तो माँ हो ना, माँ तो बच्चे को भोजन कौन खिलाती है, माँ खिलाती, प्रतिज्ञा तो मैंने की लेकिन तो प्रतिज्ञा को पालन कर कौन कर रहे, तू कर रहे हो। कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु, इसलिए कलयुग में उन्हें किसी को उन्होंने नहीं मारे, किसी को नहीं मारे, लेकिन हृदय में जो हमारी बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अनर्थ बैठे हुए, महाप्रभु ने सबको ये हरिनाम संकीर्तन देकर के बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, उन्होंने सबको उन्होंने हरिनाम दे करके सभी का हृदय को उन्होंने पवित्र कर दिए। इसलिए बोले यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधस, इसे कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलयुग में क्या करेंगे, ये संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा भगवान की कलयुग में आराधना करेंगे। इसलिए कलयुग में यज्ञ क्या है, ये हरिनाम कीर्तन। बोले यज्ञ से क्या होता है, गुरुदेव बोल रहे थे यज्ञ से क्या, इस यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, आहुति घी डालते हैं ना, ये वातावरण शुद्ध भी होता है, देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं और घी डालने से ये वातावरण भी यज्ञ से शुद्ध होता है। लेकिन गुरुदेव एक उदाहरण दे रहे थे, है गुरुदेव सुंदर एक उदाहरण, जैसे कि पत्थर उठाओ, ये पत्थर को पानी में इसे मारो, मारो तो क्या होगा, पानी में लहरी आएगी, पानी में लहरी आएगी, लेकिन लहरी आते आते क्या हो, क्या ला रहे हो, अरे बैठो चुपचाप कथा सुन लो। इसलिए जब उसमें लहरी आएगी, अब देखना वो लहरी आती 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 है ना, वो अंतिम छोर को स्पर्श करेगा, फिर दो बार लहरी आएगी, फिर तीन बार लहरी आएगी, हैं लहरी लहरी आएगी। उसी तरह जब हरिनाम कीर्तन करते हैं, ये जो शब्द ब्रह्म है, भगवान का नाम साधारण नहीं, मधुरम मधुरम मितत मंगलम मंगलाना, भगवान का नाम मीठा से भी मीठा और मंगल से भी मंगल भगवान का नाम, इसका ध्वनि हाँ जो इसका जो वाइब्रेशन है हरिनाम कीर्तन का, जितना दूर तक जाएगा सब पाप को नष्ट कर देगा। हैं हमारे गांव में, मैं भी सुरीनाम जैसे आप लोग आए ना, मैं भी एक गांव से हूँ हमारे उड़ीसा से, हमारा देश में, हमारे देश में जब गांव है ना, कहीं घर में कहीं पहले तो
जो घर होता था झोपड़ी होता था ना भूसा का होता था, कहीं अगर आग लग जाए गांव में, अगर कोई दुर्भिक्ष आ जाए गांव में, कोई दुख कष्ट हो ना, गांव के लोग क्या करते थे, मृदंग और करताल लेते थे, लेकर के पूरा गांव में हरि कीर्तन करते थे, हाँ हरि नाम कीर्तन करते थे। कीर्तन करने पर धीरे 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 सारे वातावरण शांत हो जाता था, सब दुख कष्ट दूर हो जाता था। गांव में अष्ट प्रहर बैठाया करते थे, भगवान के नाम कीर्तन करते थे। इसलिए आप लोग भी अगर घर में ज्यादा कोई दुख कष्ट होना, कहीं जाने का जरूरत नहीं, कि ज्योतिष पतिस को पास में भटकने का जरूरत नहीं, देख लो तो हाथ में क्यों, हमारा भाग्य इतना क्यों खराब, सब हीरो निकाल लेगा तुम्हारे, सारे हीरो निकाल देगा, बोले ये स्टोन पहन लो, ये स्टोन पहन लो, बस सारे हीरो निकाल देगा, लेकिन तुम्हारी भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर कोई भाग्य परिवर्तन कर सकता है भगवत नाम, कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठो ठाकुर को सामने माला लेकर के, नहीं तो ताली बजाते हुए, हाँ भाग्य रेखा अगर उल्टा पुलटा होना, जब आप ताली बजाओगे भाग्य रेखा बदल जाती, क्यों, भगवान के लिए ताली बजा रहे हो, भगवान न मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान का नाम ठाकुर के सामने ताली बजाते हुए कीर्तन करो, देखोगे धीरे धीरे जितने दुख है तुम्हारी, सारी दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी और जीवन में आनंद आनंद और जीवन में शांति मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, गुरुदेव ने जो माला दिए है, माला नहीं ये कृष्ण दिए है, गुरुदेव हमें जो माला दिए, प्रभुपाद कहते माला ग्रहण करना कृष्ण साक्षात्कार एक ही वस्तु है, इसलिए गुरुदेव हमें जो माला दिए, माला को निष्ठा पूर्वक घर में रोज माला जप करना, जब तक कुछ माला नहीं जप करते तो खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं उल्टा पुलटा वीडियो देखा रात एक दो बजे तक सो गए और 9 बजे तक उठे मुंह धोए और खाना पीना कर, ये भक्ति जीवन नहीं है, इसको भक्ति जीवन नहीं कहते। इसलिए सवेरे टाइम से उठ करके पहले स्नान करके पहले तिलक लगा, क्या पहले क्या करना है, तिलक सबसे पहले, ये मत समझा तिलक विलक की जरूरत नहीं, तिलक लगाए अगर पवित्र नहीं हो सकते हैं। अगर ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो, अगर वहां पर ये है कि उसका हल्का से लो तिलक को, हल्का से लो, हल्का से लेकर जरूर तिलक को लगाओ, ये भगवान के दो चरण है, उनका नीचे तुलसी दल है, ये तिलक साधारण वस्तु नहीं, गोपियों की चरण धूलि। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मोला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त पद धूलिया भक्त पद जल भक्त भुक्त से सही साधन, भक्तों का चरण धूलि भक्तों का अधरामृत और चरणामृत, ये भगवत भक्ति में सबसे ज्यादा शक्ति देने वाले, इससे ज्यादा कोई शक्ति देने वाले नहीं। इसलिए आप कृष्ण को देखो तिलक लगाए, राम को देखो तिलक, नारायण सबके सब तिलक लगाए, जरूर तिलक धारण करना, ठीक है ना, तिलक धारण करना, ठाकुर जी का आरती उतारना, तुलसी परिक्रमा करो, हरि नाम करो, फिर अपना फिर दिन भर काम करते जाओ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पहले बताया था ना, वो प्रभुपाद कहते सवेरे 2 घंटा क्या करो, परिवार को ससुर समझो, ये हमारे कोई नहीं है, कोई तो है ही नहीं परिवार में कोई, हाँ ये तो माया की परिवार है, कोई किसका संबंध नहीं, इसलिए सब परिवार को 2 घंटा क्या करो, अपना शत्रु मानो, मान करके 2 घंटा डट करके भजन करो, हरिनाम कीर्तन तुलसी ठाकुर को सेवा करो, फिर अपना परिवार को अपना मानो, हाँ ये परिवार है, फिर इनके लिए परिवार, भक्तों का परिवार तो भक्त सबके सब है, हैं भक्तों का परिवार है आप लोग का, फिर काम कर जाओ, फिर शाम का आओ, फिर अपना परिवार को शत्रु मानो, फिर बैठो ठाकुर के सामने बैठ करके फिर हरि नाम करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भजन करो, फिर तो सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन सवेरे ऐसे नहीं वो मूवी देखो रात भर सो जाओ, फिर सवेरे 8-9 बजे उठे मुंह धो करके खाना खाए, भक्ति भक्ति कुछ नहीं, काम में लगे नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये जीवन 84 लाख जीवन के बाद में मिला, बारंबार जीवन नहीं देंगे ठाकुर जी, जीवन केवल भजन के लिए मिला, पहले भजन फिर भोजन, पहले भजन बाद में भोजन, पहले भोजन नहीं पहले भजन बाद में भोजन, ठीक है ना। हमारे बीच में श्री महावीर महाराज जी है, हैं अभी आपको महाराज जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, महाराज साहब प्रचार करते करते हैं बाहर से, कहीं प्रचार करते करते महाराज जी आए हैं, अभी ये महाराज जी बंगला जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी, उनको देश का भाषा भी जानते हैं,
ब्राजीली का भाषा वो बहुत भाषा जानते हैं महाराज जी, ये बचपन से मंदिर में है, आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे, तो भी था कुछ बोलो So first of all, I offer my humble obeisances to the dust of the lotus feet of my beloved Srila Gurudev, Mitrila, Pravishtam, Shnupada, Paramahansa, Paribraj, Kachari, Shtotra, Shatas, Bhakti, Vedanta, Narayana, Goswami Maharaj. Also, with the lotus feet of my Shikshan Sanyasa Guru, Nitrila, Pravishtam, Shnupada, Paramahansa, Paribraj, Kachari, Shtotra, Shatas, Shishman, Bhakti, Vigyan, Bharati, Goswami Maharaj. And to all Shirupana Guru Igor Varga, and also the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Sri Dhar Goswami Maharaj, and also to all the assembled devotees here. So, although I can understand Hindi, but I cannot speak so fluently, so please forgive me, I will speak in English. So, it's a matter of very great fortune that we are assembled here today, and especially for myself to be here in association of Shpada Sridhar Maharaj and all devotees. And it is my first time here in Holland, so I feel very blessed to be here with Maharaj. Maharaj is always very kind to me. He's always given me so much shelter and love and affection. Since long time, I joined Maharaj program in India, other places. And Maharaj very kindly always asked me to speak something. Although I'm not qualified at all, but he's always encouraging. Since I was Brahmachari, very new, Maharaj always encouraged me so much and give so much support and so much love and affection. So I'm very grateful to Maharaj. Today I can be here, and up to last moments, Maharaj was also giving so much support. When Srila Gurudev departed from this world, I was with Maharaj. We were in Shamnagar in Kolkata. Maharaj was giving Saptaha there, and last day, Friday, Srila Gurudev left, and Maharaj was giving us so much support at that time. Very difficult time for us. So I always remember Maharaj so much. I always have so much faith and affection for him. He's like my great uncle. So I felt very fortunate. I have come to Holland just by accident. I have not planned to come here. I had some program in Italy, but suddenly it was cancelled. So by some arrangement or other, I have come here today. It was not in my plans. So I feel again very much blessed to be here with Maharaj and take his blessings for this preaching that now we have to carry on. So I'm not sure about this local calendar here, but today is the appearance of Shamananda Prabhu. Is it here? Okay, also. So, just very briefly, I don't want to take much time. So, just to make this Puspanjali. So, Shamananda Prabhu, he was one of our acharyas. And before he was known as Dukhi Krishna Das. Because his parents, they lost many children before he appeared in this world. So, and finally he came and he survived. So his parents gave him name Dukhi Krishna Das. Dukhi, actually. So later, when he began doing his bhajan, then he took initiation from Hridoy Chaitanya Goswami. So then he gave him name Dukhi Krishna Das. But later, for
going deeper for further shiksha, Vidya Chaitanya sent him to Jiva Goswami in Vrindavan. And there, under the guidance of Jiva Goswami and in association of Narottam Das and also Srinivasacharya, Shamananda, he was given this title, Shamananda. So his name changed from Dukhi Krishnadas to Shamananda Prabhu. So he was very exalted Vaishnava in our line, and Jiva Goswami gave him the service to broom this in Vrindavan, this place in front of Jamuna, nearby Sevakunja, told him to broom this place every day, and in case he finds something, he should bring to Jiva Goswami and show him, and only return to the owner of that. So one day he was brooming there, and then he found the anklet of one lady. He did not know who was at that time. So he took with him that, and then he was waiting to give to the owner. So according to different versions of the story, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj tells that Jogmaya first approached Shamananda Prabhu and asked him to give back that. In another version, Lalita and Vishaka, they come in disguise and ask him. But Shamananda said, no, I will not give, I only give to the owner. You must bring the owner to me, then I will give. Then Lalita and Vishaka told, but you are sadhu, you are Baba, sannyasi. How you want to have darshan of young ladies and give them back these anklets? And then he said, no, this is my guru's order, I have to follow that. So then she said, okay, will you bring our friend, our girlfriend here, so you can give back to her, but you have to blindfold you. You can't see her. It's okay. So when they brought Srimati Radhika came, and he gave back this anklet to her. And Radha was very pleased with him, and she placed her lotus feet on Shamananda's forehead. And that has become the Nupur Tilak, the mark of Radharani's lotus feet on his forehead was a different kind of tilak, they call Nupur Tilak. So after that, he began to wear that tilak all the time. But although senior Vaishnavas told him, why are you wearing different tilak? Why not wearing Vaishnava this Udapundra tilak? He said, I don't know. I am trying to wash and remove this, but it is appearing again in my face. And then they understood what happened, so they allowed him, so they can use. So now then it became a new style of tilak. So very exalted Vaishnava in our line, we pray his lotus feet, his mercy. Later he was sent also in a mission of distribution, book distribution in West Bengal, along with Narottam and Srinivas. And when the books were stolen by the king, then he separate, he went one side. I don't remember actually what was the place he went to preach. Narottam Das, he went to north to this Assam and other places, and Srinivasacharya, he remained in that village in Bengal, and Shamananda, he went another side. I forgot actually where. Orissa. So in this way, today we are taking Maharaj blessings. Maharaj very sweet Harigatha. Maharaj is very famous for his katha, for his very sweet language and very deep siddhant, and he's always enlightened us with so much very deep feelings, and so much of his bhav is coming through this Harikatha. So I will not take more time, and thank you very much. Let's have
बोले श्यामानंद प्रभु की जय, बोले हृदय चैतन्य की जय। हाँ आप लोग ने आज श्यामानंद प्रभु का आज क्या तिरभाव है, श्यामानंद प्रभु आप लोग ने श्रवण किया है। पहले इनके घर में संतान होती थी लेकिन वो संतान मर जाता था, संतान जन्म होता है मर जाता है। लेकिन एक समय कोई साधु उनके घर में आए तो उन्होंने बोले बाबा पेट में तो बच्चा आता है लेकिन बच्चा नहीं रहता मर जाता है, कोई उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है, अभी तुम्हारी गर्भ में जो बच्चा है ना तुम बोल दो अगर ये बच्चा हमारे जन्म होगा इसको हम ठाकुर जी की सेवा में दे देंगे, इसको हम संत बना देंगे, फिर वो बच्चा नहीं मरेगा। देखो हमारे घर में ना मेरे जो बड़े भाई थे, मेरे जो दो भाई के ऊपर में हम पांच भाई थे, उसमें जो सबसे तीसरे नंबर का जो भाई था भक्ति में कितने शक्ति है, ये जो तीसरा नंबर का भाई था वो मरने वाला था, कुछ दिन बाद मरने वाला था। जब मरने वाला देखा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, हमारे देश में एक नियम है जब बच्चा अपना हाथ से बाहर जाता है उसको लेकर के एक सूप को ऊपर में लेटा देते हैं और पानी लेकर के चारों तरफ में उसको घिरा करके बोले ठाकुर जी अगर ये बच्चा अगर जिंदा हो जाएगा कि बच्चे को हम तुम्हारी सेवा में दे देंगे। जब उन्होंने भगवान की शरण में जगन्नाथ जी की शरण में दे दिया फिर वो बच्चा नहीं मरा, उसने फिर बच्चा जिंदा हो गया। ऐसे नहीं बहुत सारे हमारे उड़ीसा में बहुत घटना है जो करीब करीब मर चुके बच्चे जब भगवान की शरण में दे देते हैं बच्चा फिर दोबारा जिंदा हो जाता। बोले क्यों? बोले कारण है, बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, दुनिया काल को डरता है लेकिन काल किसको डरता है? बोले काल भक्तों को देखकर डरता है, क्यों? काल का जो काल है भगवान है, है? काल का काल भगवान है। जब भगवान को चरण में कोई समर्पित तो हो जाता है ना, आप लोगों ने भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का नाम सुन, जो सिद्धार्थ महाराज आते हैं ना उनके जो गुरुदेव, उनको उम्र 11 साल था, 11 साल में मरने वाले थे लेकिन उन्होंने प्रभुपाद की शरण में आए, प्रभुपाद की शरण में आ गए, उन्होंने प्रभुपाद का गन में और सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहे 102 साल तक रहे। कोई प्रभुपाद का भक्त में इतने साल कोई जिंदा नहीं रहे, वो 102 साल तक जिंदा रहे। कारण क्या? बोले ठाकुर जी शरण में आए गए ना, भगवान की शरण में जो आ जाए मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है, इतने शक्ति भगवत भजन भक्ति में। इसलिए उन्होंने कहा ये जो तुम्हारी जो बच्चा होगा ना तुम बोल दो ये जो बच्चा जन्म होगा इसको हम साधु सेवा में दे देंगे, भगवान की शरण में दे देंगे। उन्होंने बोले अच्छी बात है, तब उन्होंने मन मन में बोले अगर ये बच्चा जिंदा हो जाएगा हम उसको साधु सेवा में दे देंगे, हाँ गुरु वैष्णव को सेवा में दे देंगे। और सबसे बढ़िया बच्चा हुआ, हाँ सबसे बढ़िया बच्चा हुआ। जब बच्चा जन्म हुआ इसलिए रखा दुखी, नाम रखा दुखिया, क्यों? बड़े दुख से वो संतान हुआ है। जब बड़ा हुआ उन्होंने बताया था साधु सभा में दे देंगे, बोले जाओ बेटा अपना गुरु जी के पास में चले जाओ, ये संतन ने मेरे को ये बताए थे बेटा अगर जिंदा हो जाए उसको भगवत सभा में दे देना, चले जाओ गुरु जी के पास। अभी उसने गुरु जी के पास में गए, गुरु जी ने जब दीक्षा मंत्र दिया फिर उन्होंने उनका नाम ब्रह्म संबंधी है, फिर भगवान को साथ में जोड़ देते हैं। जैसे जब गुरुदेव हरि नाम देते हैं हम एक नया नाम दे देते हैं ना, कृष्णदास है, राधा दासी है, श्यामा है, सब जो नाम दे देते हैं सबके सब। उस तरह गुरुदेव नाम रख दिया दुखिया कृष्णदास नाम रखी, लेकिन कहती है कृष्ण लीला में ये राधा रानी की एक मंजरी है, है? ये राधा रानी की ये एक मंजरी श्री श्यामानंद प्रभु है, कहती है कि मंजरी है लेकिन कहती जो हृदय जो चैतन्य है कहती ये कृष्ण लीला में कौन है, कहती ये है कृष्ण का सखा है। लेकिन एक सखा वो कभी सखियों का प्रेम भी बता नहीं सकते, उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने वृंदावन में भेजे, उन्होंने श्री जीव गोस्वामी की शरण में आए। बोले जीव गोस्वामी कौन है? बोले विलास मंजरी है, कृष्ण लीला में राधा रानी की एक प्रिय सखी, अभी गुरु जी की शरण में आए। गुरुदेव ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करते ना तब तक मेवा नहीं मिलता है, हाँ देखो सेवा हमें करनी चाहिए क्योंकि जब तक सेवा नहीं करेंगे ना संस्कार नहीं बनेगा। इसलिए मेरे जो गुरुदेव है ना, मेरे गुरुदेव हमारे गुरु जी के मठ में हरिनाम में जितने उन्होंने महत्व दिया उससे ज्यादा महत्व सेवा में दिया है।
बोले क्यों? बोले हमारी अभी संस्कार है ही नहीं, हमारी कोई हमारे कोई संस्कार नहीं है, बिना संस्कार से हम आए किस तरह से? जब हम सेवा करेंगे, इसलिए गीता में बताया ना, तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। इसलिए जब तक सेवा नहीं करोगे ना, मेवा नहीं मिलेगी, हैं, मेवा नहीं मिलेगी। इसलिए सेवा आ करके जब आओ सत्संग से, सेवा की भावना लेकर के आओ, है ना। यहाँ सेवा की भावना, कुछ भी हम सेवा करेंगे। हमारे गुरु जी कहते थे गोलोक वृंदावन में जो मंजरी सखिया, कोई एक सेवा मिल जाए ना, किसको थोड़ी सी पुष्प चयन करने की सेवा मिल जाए, किसको अगर थोड़ी सी माला बनाने की सेवा मिल जाए, किसको अगर थोड़ी साफ करने को सेवा मिल जाए ना, बड़ी प्रसन्न होते हैं। अहो भाग्य राधा जी की सेवा हमें मिला है, राधा रानी की पुष्प चयन करने का, चंदन घिसने का सेवा मिली है। इसलिए सेवा करनी, जरूर सेवा करनी चाहिए। सेवा के बगैर कभी मेवा मिलती नहीं। सेवा जरूर करो, हैं, सेवा जरूर करो। इसलिए प्रभुपाद कहते उपदेश उपाख्यान वहां पर आया है, हैं, वहां पर आए। एक समय एक बात चली, एक बात इसे मरते जगत में आया, कहते जो व्यक्ति ये आत्म तत्व को जान लेता है ना, वो जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है, जो आत्म तत्व को जान ले। बोले भैया ये आत्म तत्व कहाँ से मिला? बोले ब्रह्मा जी के पास से। एक समय इंद्र और श्री विरोचन, इंद्र देवता का गुरु, विरोचन दैत्य का राजा, इंद्र स्वर्ग का राजा, दैत्य का राजा, दोनों ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी कुछ उनको नहीं बोले, कोई ब्रह्म विद्या नहीं बोले। बोले जाओ 25 साल तक गैया चरा के आओ। अभी 25 साल तक वो गए, हाँ, गैया चराना साधारण बात नहीं, उनको सेवा करना, गोबर निकालना, दूध। 25 साल जब हुआ तब उन्होंने वापस आए, बोले गुरुदेव बताओ ब्रह्म ज्ञान बताओ। बोले एक पात्र में पानी लेकर के आओ। पात्र में पानी लाए, बोले इसको देखो। उसको देखा तो उसमें परछाई पड़ा। बोले जो परछाई ना, ये ब्रह्म है, ये जो परछाई दिख रहा है ना, ये ब्रह्म, जाओ। और कुछ नहीं बोले। विरोचन तो खुश हो गया। जब आए देखते लोगों ने पूछे, गुरु राजा जी ब्रह्म विद्या किया? बोले ब्रह्म विद्या कुछ नहीं है, कुछ ये शरीर ही सब कुछ। परछाई दिखा ना, परछाई दिखा। बोले परछाई सब कुछ, मतलब ये शरीर सब कुछ, इसको खिलाओ पिलाओ, मस्त रखो, रेडी करके घी भी पी लो, और किसी तरह से केवल शरीर को मस्ती करके भोग करके मर जाओ। कहते ये राक्षसों का बुद्धि है। ये बुद्धि किसका बुद्धि है? राक्षसों का बुद्धि, जो केवल शरीर को ही सब कुछ माने, इसको बढ़िया हेल्थ करो, खिलाओ पिलाओ, मर जाओ, ये राक्षस बुद्धि। लेकिन इंद्र तो चतुर है, बोले तो ठग दिया हमने, हैं, ये तो बोले परछाई सब कुछ, लेकिन शरीर तो एक दिन ही, हैं, एक दिन शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर मर जाता है, जायते बंधते अपक्षयते, एक दिन नष्ट हो जाता है, मेरे को ठग दिया। फिर वापस आए, बोले गुरु जी आप मेरे को ठग दिया, ये शरीर कैसे ब्रह्म हो सकता है जो नष्ट हो? बोले जाओ 25 साल गया चरा। फिर 25 साल गया चरा, जब वापस आए बोले बताओ ब्रह्म विद्या किया? बोले जो स्वप्न देखते हो ना वही ब्रह्म है। फिर ब्रह्म इंद्र गए, फिर वापस आए, बोले स्वप्न कैसे ब्रह्म है? क्योंकि स्वप्न में देखो जैसे हम अरब खरबपति हीरो मिल गए हमें, और हम तो सोने के बेड में सोए हुए, कितने बड़े लोग बन गए। लेकिन जब नींद खुलता है ना, देखना छिड़ा बिस्तर में लेट हुई हो, लेकिन स्वप्न देखा करोड़ रुपया की स्वप्न। बोले स्वप्न कैसे? फिर उनने 100 साल तक उनको बोले सेवा करने के लिए, 100 साल को बाद में फिर उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या प्रदान की। तब प्रभुपाद ये स्टोरी को कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं तो देखो जब तक तुम सेवा नहीं करोगे ना, मेवा नहीं मिल सकती। इसलिए सेवा ही जीवन का धर्म है, इसलिए सेवा करो, मेवा मिलेगा। मैं भी देखा अपना मंदिर में, जो अभी बहुत प्रचार कर रहे हैं ना, जिन जिन को देख रहे हो, आप सोच नहीं सकते उनने जीवन में कितने सेवा किया। श्री वन महाराज जी, आप हमने आए देखा है ना, कितने सेवा किया, साइकिल में लेकर के वो कहीं कहीं भिक्षा करते थे मथुरा में। उनको तो 3 बार कुत्ता काटा, क्योंकि मथुरा में भिक्षा में जाते थे घर में ना, और कहीं कुत्ता, कोई कुत्ता घर में रहता, 3 बार कुत्ते काटे उनको। एक बार तो बहुत गरीब मथुरा में, एक दिन तो भिक्षा करते करते आ रहे थे, साइकिल से गिर गए थे, रास्ता में बेहोश हो गए, फिर उनको वहां से उठा करके लाए। एक बार मतलब इतने जैसे माधव महाराज, तीर्थ महाराज, जितने सब है ना, उन्होंने बहुत सेवा उन्होंने किया जीवन में, हमने देखा बहुत सेवा किया। और जो गुरु वैष्णव जितने सेवा किया है ना, भगवान कहते हैं ना,
कहते ना अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्य न मेधय न बहुना श्रुतेना जब मैं बैस वृणुते न लभ्य तथे तसे से आत्मा विवृणते तनुष्याम। ये भगवान के दी जो आत्मविद्या ऐसे नहीं मिल जाता है। भगवान जिसको ऊपर में कृपा करके भगवान उसको देना चाहते हैं वही व्यक्ति उतना ही प्राप्त कर सकता है जिसको भगवान जितने देना चाहते हैं। अपने आप ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का वस्तु नहीं, ये सेवा के द्वारा। अब किसी व्यक्ति को दुनिया में देखो सेवा के द्वारा खुश कर सकते हो, केवल सेवा के द्वारा ही खुश कर सकते हो और किसी को द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो। इसलिए बस कुर्वंती माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम जता, नारायण कह रहे हैं जैसे एक पति प्रथा नारी पति की सेवा करते 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 इतने बसीभूत कर देता है पति को अंगुल के ऊपर उठाते बैठाते पति को बोले बैठो बैठ जाते उठा और सारे पैसा कमा करके ला कर किसका हाथ में बीवी का हाथ में दे दे रहा है सारे पैसा। अगर पत्नी से पैसा मांगेगा ना पत्नी बोलेगा इतना पैसा क्या करोगे, क्यों इतना पैसा मांग रहे हो, क्या होगा इतना पैसा, हजार जवाब देना पड़ेगा फिर जाकर पैसा मिलेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये सेवा ही ऐसे एक चीज है कहते सेवा को द्वारा ही हम सबको प्रसन्न कर सकते। इसलिए श्री गुरुदेव ने उनको सेवा के लिए भेजे, बोले कौन सा बोले झाड़ू लगा, झाड़ू लगाने का सेवा, सबसे नीचे सेवा उनको भेजा है, सबसे उनको निकृष्ट सेवा झाड़ू लगा। लेकिन झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी कृपा हुई उनको, उनको राधा रानी के चरण की नुपुर उनकी प्राप्त हुई और नुपुर प्राप्त करके उन्होंने श्री लास्ट में अपना हाथों से श्री राधा रानी के चरण में उन्होंने नुपुर अपना हाथों से राधा जी के चरण में पहनाती है, राधा रानी की इनको कृपा होती है। फिर उन्होंने जा करके फिर संपूर्ण उड़ीसा में इन्होंने भगवत भक्ति को प्रचार की। हम लोग जो अभी आए ना थोड़ी भक्ति में किसकी कृपा, ये श्यामानंद प्रभु का कृपा, क्योंकि इन्होंने ही उड़ीसा में अभी भी उनको बड़े सुंदर सुंदर मंदिर है, बड़े सुंदर सुंदर स्थान है। इन्होंने उड़ीसा में संपूर्ण उड़ीसा में महाप्रभु का जो धर्म को यही महापुरुष ने संपूर्ण उड़ीसा में प्रचार किया। इसलिए इनकी बहुत कथा है, आज इनकी तिरुभाव तिथि, हम सबके सब इनसे प्रार्थना करते हैं। जैसे एक दिन राधा रानी की चरण की नुपुर इनको प्राप्त हुई है, राधा रानी की कृपा इनको प्राप्त हुई, एक दिन हम सबके ऊपर में भी राधा रानी की कृपा हो, गुरु वैष्णव की कृपा हम सबके ऊपर में हो और हमारे ऊपर एक दिन श्री गुरु जी की कृपा के द्वारा श्री राधा रानी की कृपा हो। ठीक है, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री कनक मंजरी की जय। कृष्ण लीला में ये कनक मंजरी और भगवान मंजरी ठीक है बोलो नहीं नहीं हाँ ठीक। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव Yeah.
गदर गदर